की चेष्टा करते हैं इतने दूसरा चार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर होगा, हो गया। कैंसर का भी 10-2% को सहारा मिला तो आगे से एड्स शुरू होगी। और तेरा गजब, एक तो एक आगे नई बीमारियां, किसी का कोड ला गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उसमें कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पत्थर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं और भी, ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उसमें परमेश्वर ने कहा था कि तू मैं आप तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नगन नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूम आकर नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है, तो ऐसी निर्लजता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी, पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसाएं क्या करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो जो कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, इस पूरे नौ न लाल कर लेंगी, मुंह इसे बूंदा लाल देखते बूंदा लाल, शक्ल भी ना अच्छी लागे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे, अरे थरा गजब। इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठियों कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो गए। अभी समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण गणा है, लाभ एक है। और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा कि अवगुण ये है कि निर्लजता, चातुरता, हम एक दूसरे के जो है ना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस दुखती उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उसे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर, अधिकारी रो पैसा लेने के लिए उनको 100-100 ऑब्जेक्शन लगा कर चक्कर कटाते रहते हैं, कोई 2 का 20 बनाते हैं, सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में, हर चीज में मिलावट, कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, बेल के तोरी तड़के इतनी लंबी हो ही पावे, ऐ थारा गजे भैया, सिर्फ वो बेचण खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए हुकंड क्रुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं, 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले, 1000 गरीब आदमी से, और भी किसी स्तर में देख लो आप, कोई पीछा नहीं रह रहा। जिसका भी जहां दाव लगता है वो तुरंत डंक मार देता है, जिसके पास कोई प्लाउट में रोड करने सथाना नहीं है वो तो करेगा कहां से। तो अब इसमें अवगुण तो इतने हो गए, माया माया दिखाई देती, ना भाई दिखता, ना बाण दिखती, ना भगवान दिखाई देता। और गुण इसमें एक है इस शिक्षा में कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़कर भगवान पहचान लेंगे, और इस भगवान के पहचानने के उपरांत इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप ये माया की हवस नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे दो नंबर के काम जुड़ सकता, पैसा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है। और भाग से ज्यादा ले लिया तो ना जाने किस प्रकार जाएगा। एक भक्त ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, पहले तो किसी ने बताया इस पर छाया है, इस पर प्रेत है, जंतर मंतर करने वालों के पास लुटिया 20-30 हजार रुपये वहां लगाए, फिर डॉक्टर लोकल हॉस्पिटलों में दिखाया,
वहाँ काफ़ी पैसे लगे। फिर बताया इसके दोनों किडनी फेल होगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली गया, वहाँ किसी से रिश्तेदार से ले लिवा के वो गुर्दा पैसे वैसे दे के कहते साढ़े उसके 3 लाख रुपए लड़के के लगे, दोनों किडनी चेंज कराई। वो किडनी तो सफल होगी, सुख की सांस ली, 3 लाख रुपये लाग गए, और 6 महीने के बाद वो इकलौता पुत्र बस एक्सीडेंट में मर गया। और तेरा गज टक्कर मार मार कर रोया। उसने जब ये ज्ञान सुना कि जो तुम 2 नंबर से पैसा कमा इकट्ठा करना चाहते हो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर ऐसा इकट्ठा कर भी लोगे तो अगर 2 लाख कर लिया तो 3 लाख रुपए तुम्हारे ना जाने किस कारण से और कहाँ से निकल जाएंगे, और वो पाप रह जाएंगे जो के तो जो आपने फिर भोगने पड़ेंगे, वो पाप यो के यूं रह जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुमने धक्के से कहीं से इकट्ठा भी कर लिया था। तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि जैसे ऐसे मैं बहुत जुल्मी आदमी था, अब आपके ज्ञान से आंखें खुल गई। एक 2 रुपये की रील आया करती 35 साल पहले, ये कैसेट होती है टेप की, ये टेप चले चले थे उस टाइम, और उस पर दूसरी कंपनी जो अच्छी व्यक्ति थी उसकी मोर लगा देते थे एक, और 2 रुपये की रिफल थोक के वाल आता था तोल के बाद, और 35 रुपये की बेचा करता वह कैसेट किसे, और कोई खराब हो जाती धमका देता था भाग जा, ओरिजिनल दे रखी थी बनता है। तो आज मेरे साथ ठीक बनी, और थोड़ी सजा है मुझको आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरे जैसे दुष्ट को तो और सजा चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो खत्म कर देंगे, ये निर्लजता भी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहाँ पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं ऐसे, ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहन कर दो, एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है, और जाके देख लो कितने सहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियाँ। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझ कर उस भगवान को पहचान लेंगे, ये अति आवश्यक था। तो परमात्मा कबीर जी ने ये शिक्षा अब सार्वजनिक करनी पड़ी, नहीं पहले केवल एक वर्ग पढ़ता था, एक वर्ग ब्राह्मण, और उस बाकी सब अपना धंधा करते थे, रोटी का जैसा भी धंधा था, कोई पाली जाया करता, कोई भेड़ बकरियां पालता था उनकी ऊन बेच कर गुजारे करते थे, खाते नहीं थे, कोई गायें पालते थे, कोई खेती करते थे, कोई मजदूरी करते थे, अपना ठीक टाइम पास कर रहे थे। ऐसा ही काम हमने चाहिए था, और भगवान की भक्ति साथ चाहिए थी। चाहे कोई आज अफसर है, चाहे गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, चाहे दुकानदार है, अगर वो नेक नीति से काम करे अपना और भगवान की भक्ति करता रहे तो सबका मोक्ष होगा, बुराई छोड़नी पड़ेगी, 2 नंबर का धंधा त्यागना पड़ेगा, और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में आपको लगना पड़ेगा, मोक्ष दूर नहीं है। अब आपका सौभाग्य है कि परमात्मा ने अब ये समय सेलेक्ट कर रखा है, पूर्व निर्धारित था कि कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी तब इन अंशों को मैं पार करूंगा। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा, प्रथम जो पीढ़ी थी, प्रथम चरण में आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने वो लीलाएं करके दिखाई जो भगवान किया करता है। जैसी लीलाएं कबीर परमेश्वर ने की, आज हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, छोटा सा शिशु रूप धारण करके आता है, फिर उसकी परवरिश कुंवारी गांव से होती है, वो बड़ा होकर के फिर अपना ज्ञान प्रचार करता है, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होता है, और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, और वहां से चल कर आता है, गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, और जो उसकी शरण में आ जाते हैं उनके सर्व रोग हर तरह के किसी प्रकार के बीमारी है गर्भ में शरीर में या कोई और आपत्ति है कर्म दंड है उन सबको नाश करके उनको सतभक्ति देता है, सुखी करता है, और सतभक्ति करवा के उनको सतलोक ले जाता है। वो था पहला चरण।